हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। करण जौहर के सोशल मीडिया पर एक्टिव होते ही फिर भड़की कंगना रनौत। गुंजन सक्सेना का नाम लेते हुए बोली बड़ी बात। क्या बोला है कंगना ने करण जौहर के लिए, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप फिल्म बीट को सब्सक्राइब कर लें। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है जो बीते दो महीने से बॉलीवुड के कई सारे सितारे सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। इन सितारों में करण जौहर का नाम सबसे ऊपर आता है। बीते दो महीने में हुई ट्रोलिंग से करण जौहर इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही बदल दिया था। बीते दिन ही लंबे समय के बाद करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। वही करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई है। इसी बीच करण जौहर एक बार फिर से बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत के गुस्से का शिकार हुए। करण जौहर के सोशल मीडिया पर दस्तक देते ही कंगना रनौत ने एक बार फिर से करण जौहर की क्लास लगा दी। करण के बारे में बात करते हुए कंगना ने लिखा है, करण जौहर पेश शायरी अर्ज है, हमें नेशनलिज्म की दुकान चलानी है मगर देशभक्ति नहीं दिखानी है। पाकिस्तान से वार वाली फिल्म बहुत पैसा कमाती है, हम भी बनाएंगे मगर उसका विलन भी हिंदुस्तानी है। अब थर्ड जेंडर भी आर्मी में आ गया है मगर करण जौहर तू कब समझेगा एक सेनानी फिर से सेनानी है। बता दें कि करण जौहर पर निशाना साधने से कंगना यही नहीं रुकी। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना को निशाने पर बनाते हुए लिखा, मैं बॉलीवुड फिल्म माफिया और गुंजन सक्सेना पर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, अगर वो दिखा सकते हैं तो दिखाएं एयरफोर्स में होने वाले भेदभाव को। बता दें कि करण और कंगना की कोल्ड वॉर थमने का नाम नहीं ले रही। इन दोनों की जो कोल्ड वॉर है वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही।